हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने AKTU का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया है और अगर आप एक OBC कैंडिडेट हैं तो इसके लिए एक नोटिस आया है AKTU की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वो क्या नोटिस है, क्या उसे आपके लिए नोटिस में दिया गया है, वो सभी चीजें हम इसके बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि AKTU UPTU के जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। 30th of September तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और कई अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बचे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए तो आज इस वीडियो में उस नोटिस के बारे में बात करते हैं। गाइस, अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो ओबीसी कैंडिडेट ने अगर जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वहां पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी कि जो भी आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करना है। एंड वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का वो 1st of April के बाद का होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट था वो आपने अपलोड कर दिया है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये पूरा नोटिस है। और अगर आपने 1 अप्रैल के बाद का किया है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। बट अगर आपने 1 अप्रैल से पहले का कर दिया गया है तो उसके लिए क्या नोटिस है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको AKTU की वेबसाइट पर आना होगा, AKTU.ac.in। देन आप यहाँ पर नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको एडमिशन सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप पब्लिक नोटिस में देखेंगे जो सबसे ऊपर नोटिस आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ओबीसी एनसीएल, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आप ये PDF वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो PDF हो वो डाउनलोड हो गई है, देखिए आप इसमें दिया गया है ये 23rd September को ये नोटिस आया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2022 से पूर्व यानी इससे पहले का प्रमाण पत्र अपलोड किया था यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो उसमें क्या हुआ है कि AKTU के बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है और ओबीसी वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने 1 अप्रैल से पहले के सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए हैं तो उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है AKTU कमेटी की तरफ से। उन्हें ये बताने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है क्योंकि अगर आपने 1 अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट डाल दिया है तो आपको जो सीट अलॉटमेंट होगी वो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगी। यहाँ देख सकते हैं, ये आप नोटिस आप पढ़ लीजिए, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट की अनुमति प्रदान की गई है यानी जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो फिक्स नहीं है या कंफर्म नहीं है, प्रोविजनल है। अगर आपने अपना सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर दिखा दिया, वो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद का अगर सर्टिफिकेट आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर दिखा देते हैं तो वहां से आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट था वो अब कंफर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट अगर आप वहां पर भी फेल हो जाते हैं उसको दिखाने में तो आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में सीट अलॉटमेंट निरस्त करते हुए सीट कंफर्मेशन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा यानी जो आपने सीट कंफर्मेशन फी पे करी थी 20,000 या 12,000 जो आप करेंगे तो वो भी आप उसको वापस नहीं ले सकते, वो वापस नहीं होगा। तो आपको करना यही है कि अगर आपने वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो आपको एक नया सर्टिफिकेट बना लेना है। नया सर्टिफिकेट आप बनाएंगे तो उसको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे वहां पर उस सर्टिफिकेट को आपको दिखाना है। अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो वहां से कैंसिल कर दिया जाएगा और आपने जो फीस पे करी थी उसे भी वापस नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा नोटिस था। नीचे नोटिस में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नोटिस में इस तरीके से देखिए दिया गया, ऐसे समस्त ओबीसी अभ्यर्थी जिनके पास 1 अप्रैल 2022 से पहले का प्रमाण पत्र है तो ये शपथ पत्र या घोषणा पत्र आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि मैं छात्रा का नाम, पुत्र पुत्री, UPTU 2022 की ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु निर्धारित ओबीसी कैटेगरी का पुराना प्रमाण पत्र यानी कि इसमें ये चीज बताई गई है, ये घोषणा पत्र दिया गया है कि मैंने यानी आपने जो भी कैंडिडेट है उसने 1 अप्रैल 2000 पहले का सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दिया था,
अब यहाँ पर हम कंफर्म कर रहे हैं कि अगर हम 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं तो हमारी जो सीट अलॉटमेंट थी प्रोफेशनल वाली वो सच में जो है कैंसिल कर दी जाएगी। यानी आपसे वो एक तरीके से कंफर्मेशन यहाँ पर ले रहे हैं। अगर आपने उसको दिखा दिया 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया तो आपकी जो सीट कन्फर्मेशन है प्रोविजनल की वो कन्वर्ट हो जाएगी कन्फर्मेशन सीट में। ओके गाइस, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो एक न्यूज आई, जो अपडेट आया हुआ था AKTU की वेबसाइट पर। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।